आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भागलपुर नगर निगम द्वारा जागरूकता रैली अभियान पूरे भागलपुर में चलाया गया। भागलपुर नगर निगम के द्वारा जागरूकता रैली अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के उप महापौर एवं कर्मचारी के द्वारा हर गली, चौक चौराहा, सभी जगह साफ सफाई अभियान चलाया गया। के उपलक्ष्य में ये पूरा भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें कि इस बार जो है पूरे भारत को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए इस दिशा में जो है ये संकल्प लिया गया है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए नगर निगम ने भी संकल्प लिया है कि 2022 स्वच्छ भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर, सुंदर भागलपुर, सुव्यवस्थित भागलपुर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इस हेतु यहाँ के हमारे महापौर, नगर आयुक्त, उप महापौर, सारे पार्षद बंधु, सिटी मैनेजर, स्वास्थ्य प्रभारी, वार्ड प्रभारी या फिर जोनल प्रभारी, सारे स्वास्थ्य कर्मचारी, सारे लोगों ने मिलकर के सभी लोगों के बीच ये जागृति पैदा करने का प्रयास किया। ये अभियान गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले, वार्ड दर वार्ड ये अभियान को चलाया जा रहा है लोगों को जागृत करने के लिए। आइए इस दिशा में हम सभी मिल करके, चूँकि ये भागलपुर बुद्ध की नगरी है, जैन की नगरी है, वासु पूज्य की नगरी है, ये जो है बाला बिहला की नगरी है, ये बाबा मखदुम शाह दरगाह की नगरी है, ये शिक्षा का हब है, स्वास्थ्य का हब है। भागलपुर बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित भागलपुर बनाने में हर किसी की, मैं अभी नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर देवाशीष जी। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।